अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर लोगों में उत्साह का माहौल है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद जल्द पूरी होने वाली है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रही हैं। और इसी कड़ी में अयोध्या में प्रसिद्ध गायक प्रश्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही है। आपको बताते चले कि सीधा अयोध्या से चलाएंगे प्रसारण, जहां से हमारी सहयोगी दीपिका गायकों के साथ लाइव जुड़ रही है। तो 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। जी हाँ, आपको बताते चले कि 22 तारीख का इंतजार सभी राम भक्त कर रहे हैं और 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने नए और भव्य मंदिर में विराजमान करने जा रही हैं। लगभग तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और समय भी नियत कर दिया गया है। समय भी बता दिया गया है कि 12:30 बजे प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि तैयारियां भी अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या का रुख लगातार राम भक्त कर रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन भी प्रभु राम का कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 22 जनवरी को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लगभग अब जो तैयारियाँ हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में भी खासा उत्साह अब देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधे अब अयोध्या का रुख करेंगे, जहां से मेरी सहयोगी दीपिका ओझा हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अयोध्या नगरी में दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है, एक अलग ही हर्षोल्लास और उमंग देखने को मिल रहा है। 16 तारीख वो तारीख होने वाली है जब आगाज होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं उसको कह सकते हैं कि उसका आगाज और आरंभ होगा। और इसी आगाज और आरंभ के लिए जो हमारे आज दर्शक है उनके लिए हम कुछ सुरों के जरिए सभा बांधने वाले हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी है। आज हम दोनों मिलकर यहाँ बताने वाले हैं कि अयोध्या नगरी में राम नाम को लेकर कितना उत्साह। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे साथ इस वक्त संगीतकार मौजूद है उन लोगों में कितना उत्साह है और क्या क्या हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं। कथक कला केंद्र में हमारी साथ मौजूदगी है। मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं। हमारे रघुनंदन सरकार आ रहे हैं और 22 तारीख को वो यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। उनके लिए कुछ भजन मैंने लिखा है, कहना है ये गलियां सजवा दो। Yeah.
उन चुन चुन के फूल लाने में उनको ये है कि कहीं हमारे राघवेंद्र सरकार के पैरों में कांटे न चुभ जाए। हाँ बिल्कुल, ये भजन भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि आपने शुरुआत जितनी अच्छी की है, गलियां सजवाने की बात की है, आगाज किया है, एक बार थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर ले। मैंने तो थोड़ी आपसे बातचीत कर ली, मैं चाहूंगी मेरी सहयोगी भी आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करें। आस्था जरा बात करिए और जानिए कि इनके मन में क्या है प्रभु श्री राम को लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब एक अयोध्या नई भारत लिख रहा है और प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं, अपने महल को आने वाले हैं, तो संघर्ष की कहानी, तप तपस्या की कहानी हम निरंतर सुनते आ रहे हैं। वो दौर कैसा रहा है, तमाम चीजें हमने देखी है, और जब वो दिन नजदीक आ रहा है तो किस खुशी की अनुभूति कर रहे हैं? वही खुशी आ रही कि जैसे राम भगवान रावण का उद्धार करके जब अयोध्या आ रहे थे, तो बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी अनुवाद करते हैं रामचरितमानस में। अवधेपुरी प्रभु आवत जानी, अयोध्या शोभा का खान हो गया था। आगे चौपाई बताऊंगा। बहाये सुहावन त्रिविध समीरा, देवता लोग पुष्प का वर्षा करने लगे थे, कहते देवन तुमन का तपस्या। गुरु जी ने बताया कि 500 वर्ष का तपस्या है, तो ये साधारण तपस्या नहीं, 500 वर्ष का कलंक मिटा है, जो कि आज हमारे राम मंदिर रामलला जी इस नूतन गर्भगृह में पधारेंगे। हम लोग को बहुत हर्षोल्लास है, बहुत प्रसन्नता है, हमें को नहीं, हिंदू जनमानस को ही नहीं, सनातन धर्म को ही नहीं, सभी देवी देवता, विश्व के सभी ब्रह्मांड के लोग प्रसन्न है और अयोध्या आने के लिए आतुर है। गुजरात से, भारत से, मुंबई से सब लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं केवल अयोध्या आने के लिए। बहुत ही प्रसन्नता है हम लोगों के अंदर। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से हम लगातार संगीत का समा बंधा हुआ है, प्रभु श्री राम के गीत भजनों को हम गा रहे हैं, तो लगातार उसमें देरी नहीं करते हैं, फिर से आपको सुनाते हैं। दिक्कत नहीं, मैं चाहूंगी कि आगे की शुरुआत करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने संघर्ष की कहानी भी सुनवा दी, अब चाहेंगे क्योंकि 22 जनवरी को लेकर बहुत उत्साह है, और आप अभी बता रहे थे कि उसके लिए भी आपने कुछ खास लिखा है, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को सुनाए। अरे चुन चुन के, चुन चुन के फूल वाले आई हो, चुन चुन के फूल वाले आई हो, अपने राम लला साथ में, चुन चुन के फूल वाले आई हो, अपने राम लला साथ में, रैया हम फूल से सजाई हो, अपने राम लला साथ में, रैया हम फूल से सजाई हो, अपने राम लला साथ में, पम्मा में कटवा कहीं न डूब जाए, पम्मा में कटवा कहीं न डूब जाए, पम्मा में कटवा कहीं न डूब जाए, पम्मा में कटवा कहीं न डूब जाए। क्यों हम गांव में कांटे चुभने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जब खड़ाऊ अपने भाई को दे दिया तो नंगे पैर ही रह गए हमारे राघवेंद्र सरकार, और पुष्पक विमान से वो आए, लेकिन आने के बाद भी तो पांव तो वैसे ही है, तो पम्मा में कटवा कहीं न चुभ जाए, पम्मा में कटवा कहीं न चुभ जाए, आजी चुन चुन के चलिया ले आई हो, आजी चुन चुन के चलिया ले आई हो, अपने राम लला साथे, चुन चुन के चलिया ले आई हो, अपने राम लला साथे, रैया फूल से सजाई हो, अपने राम लला साथे।
शबरी ने अपने भक्ति को सबके लिए रखा था कि सब राम जी जब आते कहीं खट्टा ना खिला दूं उनको, तो मीठा मीठा वो स्वाद लें। तो वही चीज फिर से सब लेकर आए हैं, वही भाव है कि बगिया मजाई के फलवा ले आई, बगिया मजाई के फलवा ले आई, बगिया मजाई के फलवा ले आई, बगिया मजाई के फलवा ले आई। आई है जो आजी, आई है जो उनका किया युगो अपने राम लला। और उन्हीं के राम राज में हम लोग रहेंगे, तो माताएं क्या कहना चाह रही, क्या देना चाह रही हैं? बेला चमेली से मुकुट बनाई बे, 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 मुकुट बनाई बे, मुकुट बनाई बे, सरकार के लिए जो सिंहासन है वो सोने का, प्योर सोने का रहेगा, तो उस पर कुछ पद में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं मेरे राम, एक यही भगवान है मेरे जीवन धन और प्राण। क्यों ऐसा है कि एक भरोसो एक बल, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि एक आस विश्वास, एक नाथ रघुनाथ हित जातक तुलसीदास। तो 500 वर्ष की अमिट कहानी कहती है इतिहास, अब तो विराजो मन मंदिर में रघुनंदन मेरे पास। सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम, एक यही भगवान है मेरे जीवन धन और प्राण, एक यही भगवान समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े और हमारे दर्शकों को इतने मधुर मधुर संगीत सुनाए। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरी सहयोगी आस्था तिवारी को